नमस्कार। मिर्जापुर जिला तहसील चुनार की खास खबर। चुनार के प्रसिद्ध किले के पास श्री राघवेंद्र रामलीला समिति द्वारा निर्मित सैकड़ों साल पुराना भरत मिलाप मंच एक ट्रक के टकरा जाने के कारण धराशाही हो गया। चुनार में जब से गंगा के ऊपर पक्के पुल का निर्माण हुआ है तब से चुनार में आवागमन बढ़ गया है, मगर उस पुल से सिर्फ छोटे वाहनों को ही गुजरने का निर्देश दिया गया था। रात के अंधेरे में वहां से ट्रकों को भी पास कराने लगे चुनार प्रशासन। पुलिस की भली भांति जानकारी थी, मगर प्रशासन ने अनदेखा कर अपने कानों में तेल एवं आंखों पर चश्मा लगाई थी और आज उसका दुष्ट परिणाम यह है कि सैकड़ों साल पुराना भरत मिलाप मंच गिर गया। बताया जाता है कि रात को सभी ट्रकों को पास कर आते वक्त एक ट्रक वापस जाने के लिए ट्रक को घुमाने लगा, जिसकी वजह से वह जाकर मंच से टकरा गया और मंच के सामने एक ठेला था उसको भी उड़ाकर ट्रक निकला और अभी तक प्रशासन ट्रक का पता नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश फैल गया है और चुनार के सभी भाजपा कार्यकर्ता वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसमें पीएम कुशवाहा, विजय बहादुर सिंह, चंद्रहास गुप्ता, रविंद्र कुमार, बच्ची मिश्रा, निर्मला सिंह, जगदीश गुप्ता, कुंवर विक्रम धरने पर लोग बैठे। तब वहीं प्रशासन आई। पहले थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, उन्होंने मनाने की कोशिश की लेकिन जनता नहीं मानी। उन्होंने मांग की एसडीएम चुनार को बुलाया जाए। एसडीएम चुनार और सीओ चुनार दोनों लोग आए और धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों की मांगें पूरी की। आज चुनार में भरत मिलाप मंच ट्रक के धक्के से धराशाही हुआ। देखते हैं गुफरान अहमद की खास रिपोर्ट। सकरी है, नगर पंचायत की है, पीडब्ल्यूडी की नहीं है। इस पे ओवरलोडेड ट्रकें चलेंगी, ये टूटेगी तो नगर पालिका इसकी मरम्मत नहीं करा पाएगी। हमसे ये नगर पालिका मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारी पाइपलाइन ऊपर है, जब ट्रकें जाती हैं तो पाइप हमारी ब्रस्ट कर जाती है, वो होती है। मेरी बात समझे तो इस समय 86-88 गाड़ियों की परमिशन हुई है, यह डीएम साहब ने किया है जो इस रास्ते जा रहे, तो मैं चाह के भी नहीं रोक सकता, मैं आपके साथ हूँ। डीएम साहब से तो कई बार वार्ता हो चुकी है, गाड़ी बारे के लिए जिलाधिकारी अगर कहे अध्यक्ष जी कई बार बात कर चुके हैं। 500 गाड़ियां गई होंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्थिति ये है कि 86-87 गाड़ियों की परमिशन। अच्छा, दूसरी चीज, छियासी 500 गाड़ी कैसे जाती है? वो बात की बात है, 400 गाड़ी आज सिर्फ जाती है। तो आज पब्लिक परेशान है, मकान गिरा हुआ। सर ये बताइए, अभी आज खंता चला जा रहा है, मेन पुल खंता चला जा रहा है और अगर ध्यान नहीं दिया गया ठीक है, अगर परमिशन है तो 400 तक कैसे जाती है? ये स्थिति है या किसकी जिम्मेदारी है? जब 86 गाड़ियां हैं मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरी भी किसी का छत टूटा है, कोई पाइप लाइन गड़बड़ है, ये बड़े अधिकारियों की बात करके निकल जाएंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है पब्लिक पर हमारा निवेदन सर आपसे सूचना है सर की घटना को डीएम साहब से अवगत करें। एक मिनट चाचा जी एक मिनट, हमारा बस सर आपसे एक निवेदन है, आप हमारा सहयोग करते हुए करिए, डीएम साहब से अवगत कराइए। मेरी बात आप जिलाधिकारी महोदय आएंगे तब आप सफाई दीजिए। ये तो टोटल मनमानी है ना। सुनिए, मैं आपके यहाँ का कर्मचारी हूँ, मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरा नैतिक दायित्व था, मैं उसके निर्वाहन के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और रह गई बात, आप मेरी बात नहीं सुनो, नहीं सुनी जाएगी कहने का मतलब यही है कि मैं आपके बीच में आया हूँ। हमारा कहना सर यह है कि डीएम साहब को अवगत करा दें कि आज ये घटना हुई है। मैं डीएम साहब को अवगत करा दे रहा हूँ, मैं ये डीएम साहब को अवगत करा दे रहा हूँ, सबको अवगत करा दे रहा हूँ जी सर। लेकिन अब बारी बारी बात करेंगे आप। साथ कोई काम ऐसा है सर, आइए पास आइए।
अपने दायित्व का निर्वहन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके वजह से काम नहीं कर रही है, आपने हमको दिखाया कि इतने परमिशन, एक मिनट, इतने परमिशन है, और आज हम लोगों को उन्हीं अधिकारियों से बात कर रहा है जो ये परमिशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इसको बताएं। आपकी चिंता जायज है, आपका आक्रोश जायज है, मैं इसका बुरा नहीं मान रहा हूँ। साफ सड़क के किनारे जिसका मकान पाइप टूट जा रहा है, कनेक्शन हमारे हम लोग पाइप टूटा है, जो हल्की गाड़ियाँ है, जो हल्की गाड़ियाँ है वो मेरा मुझे।